هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا وبالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم المحامي قوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات ماہ مبارک ذلحجہ کی 9 تاریخ ہے اور اعمال کے اعتبار سے ایک اہم دن ہے. اسی کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور آج کی مخصوص دعا ہے جو منسوب ہے ذات گرامی سے حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ وسلم. انہی دولتوں سے دل و دماغ تشیع مالا مال ہے اور یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر قوم کی ایک ایک فرد کو ناز ہے. کہیں کسی جگہ یہ دعوت فکر و نظر نہیں کہ جو آل محمد نے ہم کو عطا کی اور اس طرح سے اگر پڑھنے غور کرنے اور سمجھنے کا کسی کو موقع مل رہا ہو تو وہ اس لیے اس کو نظر انداز نہ کرے کہ یہ نعمتیں کہیں ناقدری کی وجہ سے اپنی کرامتوں کو ہم سے سلب نہ کر لے. ہر قوم دنیا میں اپنے لیے ترقی کی راہوں کو معین کر رہی ہے. وہ عقلانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہر ایک اسی کوشش میں ہے کہ وہ شاہراہ ترقی میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ دے. لیکن جو منزل ہماری معین و متعین ہے وہاں ہم یہ ضرور اندازہ لگاتے ہیں کہ مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے زندگی کی ظاہری قدروں کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. البتہ معنوی اعتبار سے روحی اعتبار سے عقلانی اعتبار سے ہم عالم فکر و نظر کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے خزانے کہیں ہو تو پیش کرے. آج دعائے عرفہ میں حسین ابن علی یوں عرض کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں الہی ترتبی فی الآثار ینجب بعد المزار پروردگار میں کب تک تیری نشانیوں میں غور کرتا رہوں ایسا نہ ہو کہ میں زیارت گاہ سے دور ہو جاؤں.
मैं कब तक तेरी निशानियों में गौर करता रहूं, कब तक मैं आसार में उलझा रहूं, कब तक मैं कायनात की चीजों को देखता रहूं, ऐसा न हो कि ज़ियारतगाह मुझसे दूर हो जाए। इलाही तरद्दुदी फिल आसार युजिबु बुदल मज़ार, इलाही कैफ युस्तदल्लु अलैक बिमा हुवा फी वुजूदिही मुफ्तकिरुन इलैक। परवरदिगार मैं उस शय को तुझ पर क्या दलील बना कर लाऊं जो खुद अपने वुजूद में तेरी मोहताज। मैं बाद तबीयात के सारे मसाइल इलाहियात के सारे मजामीन इस एक जुमले के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। इलाही कैफ युस्तदल्लु अलैक बिमा हुवा फी वुजूदिही मुफ्तकिरुन इलैक। परवरदिगार वो जो अपने वजूद में तेरा मोहताज हो वो तेरी जात पर क्या दलील बन सके। इलाही कैफ युस्तदल्लु अलैक बिमा हुवा फी वुजूदिही मुफ्तकिरुन इलैक। और उसके बाद अर्ज करते हैं इलाही अलगैरिक मिनज़्ज़ुहूर मा लैसा लक। परवरदिगार क्या तेरे गैर को भी कुछ ज़हूर हासिल है, क्या तेरे गैर के लिए भी कुछ ज़हूर है। मैं कायनात को देख रहा हूं, मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही है, मगर क्या ये ज़हूर है। अलगैर का मिना ज़हूर मा लैसा लक, क्या तेरे गैर के लिए भी कोई मकाम इजहार है जो तेरी जात के लिए न हो। अलगैर का मिना ज़हूर मा लैसा लक, इलाही मन लज़ी फ़क़द मन वजदक। परवरदिगार उसने क्या खोया जिसने तुझको पाया। इलाही मन लज़ी फ़क़द मन वजदक, इलाही मादा वजदक मन फ़क़दक। और परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझको खोया, उसने क्या पाया जिसने तुझको खोया, और उसने क्या खोया जिसने तुझको पाया। और आगे बढ़ के अजीब अंदाज में अर्ज कर रहे हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में के इलाही तअर्रफ्ता लिकुल शैइन फमा जहलका शैइन। परवरदिगार तूने हर शय से अपना तारुफ करवाया, कोई शय पस तुझसे नावाकिफ नहीं है। तअर्रफ्ता लिकुल शैइन फमा जहलका शैइन। परवरदिगार कोई शय ऐसी नहीं जो तुझसे नावाकिफ हो, कोई शय ऐसी नहीं जो तुझसे ना आशना हो, कोई शय ऐसी नहीं जो तुझको न जानती हो, इसलिए कि तूने हर शय से अपना तआरुफ करवाया। वो तअर्रफ्ता लि कुल शयइन, और तूने हर शय में अपना तआरुफ मुझसे करवाया। फरअइतुका ज़ाहिरन फी कुल शय। परवरदिगार अब मैंने किसी शय को नहीं देखा, मगर जब शय को देखा तो तू नजर आया। तअर्रफ्ता लि फी कुल शयइन फरअइतुका ज़ाहिरन फी कुल शयइन। परवरदिगार तूने अपना तआरुफ जब हर शय के जरिए मुझसे करवाया, या मैंने जब तुझको पहचाना, या मैं जब तुझसे वाकिफ हो चला, तो परवरदिगार रईतुका ज़ाहिरन फी कुल शय, मैंने हर शय में तुझको जाहिर बज़ाहिर पाया। इस मंजिल पर ये हुसैन इब्ने अली अलैहि अर्ज करते इलाही अमलत अयनन ला तराक अलैहा रकीबा। परवरदिगार वो आंख अंधी हो जाए जो अपनी जात पर तुझको निगरान पाए।
मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो इससे ज्यादा मैं सलीस तर्जमा इस दलील अरबी का कर नहीं सकता हूं। अनयत अन ला तराव का अलहा रकीबा, वो आप अंधी हो जाए जो अपनी बात पर तुझको निगरान न पाए। फिर गौर कीजिए, उन आंखों से बसारत को साल्व कर लिया जाए जो आंख तुझको अपने आप पर निगरान न पाए। अमय अमन ला तरह का अलहा रकीबा, वो खसरत सबका तो अब दिन यम पज अल्लू का नसीबा, और परवरदिगार उस बंदे का कारोबार तबाह हो जाए। ये दुआ देखिए, उस बंदे की तिजारत और कारोबार तबाह हो जाए कि जिसको तूने अपनी मोहब्बत नाता की हो। लम तजअल लहू मिन हुब्बिका नसीबा, जिसको तेरी मोहब्बत से कुछ न मिला हो उसका कारोबार खत्म हो जाए। ये वो अल्फाज हैं, ये वो इरशादात हैं कि जिनको सुनकर और जिनको समझकर इंसान ये महसूस करता है कि वो रब्त जो अब्द महबूद के दरमियान है, वो रब्त जो अब्द महबूद के दरमियान है बेसूरत हिदायत, वो मिनल्लाह है। किस कदर अहम रब्त है जो अल्लाह को पहचानवाए, जो बंदों को उस मंजिल से आगाह करे जहां मारुफत रब अहम तरीन सरमाया हो। इस मंजिल पर चंद बातें उन अजीजों के लिए कि जिनको कभी कभी सोचने की तौफीक खुदाबंद अली आला अता फरमाता है, जरूरी है। सबसे पहले याद रखिए कि नफ्स इंसानी का पहला राबता, नफ्स इंसानी का पहला ताल्लुक एक कैफियत से है जिसको शऊर व इल्तिफात कहते हैं। हम पहली मरतबा अपने आप को महसूस करते हुए, मालूम करते हुए इन कैफियतों को महसूस करते हैं कि हमें शऊर है, हमने इल्तिफात, यानी हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से बने नहीं, हमें इतना शऊर है। वो कोई मंजिल हो, कोई मजहब हो, कोई भी, मगर हमें ये शऊर है कि हम अपनी मर्जी से नहीं बने। हमें ये शऊर है कि अगर हम अपनी मर्जी से बनते तो हम अपने मफादात की खातिर अपने गुजरते हुए वक्त को रोक लेते, हम कभी बूढ़े न होते, हम हमेशा जवान ही रहते, हम अपने फायदामंद घड़ियों को जाते हुए न देखते, हम अपनी मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते अगर हम अपनी आप अपनी जात पर इख्तियार रखते, अपने आप को बीमारियों से अलहदा कर लेते। अगर हमको अपनी जात पर इख्तियार होता तो हम अपने आप को मौत से बचा लेते, मगर पता चला इसी शऊर और इत्तेफाक की वजह से कि हम नजदीक हैं किसी ऐसी कुव्वत से जो हम में है और गायब है, हम में है और गायब है, और वही ताकत जो एहसास पैदा कर रही है कि हम में इख्तियार नहीं है, हम इतने मुख्तार नहीं हैं कि अपने आप को मुसीबतों से बचा लें, मौत से बचा लें, अपने जाते हुए वक्त को हम रोक सके, हमें इख्तियार नहीं है। न हमने अपने आप को बनाया है, न हम अपने आप के मुहाफिज हैं, न हम अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। जब ये नहीं है तो यकीनन कोई और ताकत गैबी है कि जिससे हमारा रब्त बाकी है, जिससे हमारा रब्त बाकी है, और वो हो ताकत गैब कि जिसने हमको इस कायनात में खल्क करके कायनात को हमसे मरबूत कर दिया। जमीन की जरकैजियां हमारे लिए,
हवाओं के झोंके हमारे लिए, बारिश हमारे लिए, और फिर आफ्ताब की रोशनी हमारे लिए, चांद का तलालो हमारे लिए, रात का सुकून हमारे लिए, दिन की रोशनी हमारे लिए। ऐसा मालूम होता है कि कायनात के मरकज में इंसान को बनाकर इंसान की लिए सारी नवामी से इलाही और उसकी ताकतों को मुतवक्कर कर दिया कि मैं बंदे तुझे ये नेमतें देते हैं, मगर शर्त यह है कि हमको न भूल। ये शऊर इंतफात हर शख्स में है कि मैं अपनी जात से कुछ नहीं हूं, मेरी पेशानी को कहीं झुकना चाहिए, मुझे किसी की बारगाह में न्यास के साथ पहुंचना चाहिए। हर एक में ये शऊर है, सिर्फ इतना है, इतना है कि कभी कभी इंसान इस शऊर की उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि अगर मैं किसी और को तस्लीम करता हूं तो फिर शायद उसी के हुक्म पर चलना पड़ेगा, ख्वाहिशात नफ्स को ठुकराना पड़ेगा, अपनी आरजुओं की शायद तकमील न हो सकेगी, मेरी अपनी मनमानी ख्वाहिशों को मैं पूरा न कर सकूंगा, इसलिए भुलाते चलो, हटाते चलो, भूलते चलो, गफलत की मंजिल में आ जाओ, ताकि ये मालूम हो कि कोई हुक्म देने वाला ही नहीं है, अब मैं हूं और मेरी मर्जी। यही वजह है कि इंसान रब्बुल आलमीन के तसव्वुर से गाफिल हो जाता है, और इसलिए भी गफलत होती है कि उसके इख्तियार में, उसकी कुदरत में, उसकी ताकत में कोई और मुअसिर न हो, कोई और असर डालने वाला न हो। मूसा और फिरौन को हुक्म हुआ कि दोनों जाओ फिरौन के पास, वकूला तुम दोनों मिलके कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम हैं रब्बिल आलमीन के रसूल। दरबार में पहुंचे फिरौन के, दोनों ने कहा कि हम रब्बिल आलमीन के फरिश्तादा हैं। बेख्तियार उसने कहा वमा रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन क्या चीज होती है? मन नहीं कहा वमा, मन जमील उल के लिए है, वमा रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन क्या चीज है? मूसा ने कहा रब्बुस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुकीन, ये आसमानों का रब है, ये जमीनों का रब है, जो कुछ इसमें है उसका परवरदिगार है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। काला लमन हौलहू अला तस्तमिऊन, दरबार वालों से कहा सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये रब्बुल आलमीन का तसव्वुर दे रहा है। मगर मूसा ने फुर्सत न दी, मोहलत न दी। काला रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, रब्बुल आलमीन वो है जो तुम्हारा रब है, तुम्हारे आबा अव्वलीन का रब है, जिसने सबकी तरबियत की है, ये जान करके ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुलहिद है, ये मुनाफिक है, सबकी तरबियत की है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। उसने बेख्तियार कहा वइन्ना रसूलकुम अल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो दीवाना मालूम होता है, आज मेरे दरबार में रब्बुल आलमीन का तसव्वुर पेश कर रहा है। मगर मूसा ने फिर फुर्सत नबी का रब दुल मशरिक वल मगरिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम तअक्लून, रब्बुल आलमीन वो है जो मशरिक का रब है, मगरिब का रब है, मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ है वो उसका रब है, अगर तुम अक्ल से काम लो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे खुदा, मेरे सिवा किसी और खुदा के तसव्वुर को पेश किया तो तुम मस्जून हो जाओगे, तुमको जिंदान में बंद किया जाएगा, सिजन की नजर किया जाएगा। मूसा ने कहा कि बावजूद इसके कि मैं आया तो इलाही को पेश करूं, बैजनात को पेश करूं, इसके बावजूद तुम नहीं मानोगे। और इसके बाद
मूसा ने अपनी निशानियों को पेश किया। ये सारे उमूर बड़ी सलीस अरबी और उसके तर्जुमे में सूरह शुआरा में मौजूद है, 26वां सूरह, जब कभी तिलावत का मौका मिले। का बुलाओ बुलाओ जादूगरों को बुलाओ, ये जादूगर है, ये साहिर है, बल्कि सहार अलीम है, बहुत बड़ा जादूगर है जिसके पास बड़ा इल्म है। बुलाओ जादूगर। जादूगर आए, कहा तुमने इतनी ताकत है कि इसके शहर को रद्द करो, कहा हम कोशिश करेंगे। इस तरह से तमाम जादूगर एक खास वक्त पर जमा किए गए। ये तर्जमा करते जा रहा हूं आयतों का। और उन्होंने अपनी अपनी रस्सियों को और अपने अपने असा जमीन पर फेंके और ये कहते फिरौन, फिरौन की इज्जत की कसम, अब हम गालिब हो गए, अब हम यकीन गलबा पाएंगे फिरौन की कसम। मूसा ने अपनी आयत को इस्तेमाल किया और इस तरह से वो असा उनके शहर को बातिल करने में कामयाब हुआ। तो इसके बाद कुरान कहता है उल्टिया सहरत साउदीन आलू आमन्ना रबीन, और ऐसे मौके पे जादूगर सजदे में गिर गए, कहा ईमान लाए आलमीन के रब पर। मैं बहुत गौर से सुनू, मैं इसी मंजिल पर आपको पहुंचाऊंगा और यहीं से आज जरा ऐसी दावत फिक्र देते हुए आपको खुदा हाफिज कहूंगा, बशर्ते कि आप इस जुमले को मेरे याद रखें। तकरीर में तमाम हिस्से उमूमन जहन से छूट जाते हैं, मगर एक आध हिस्से को यकीनन महफूज रखना चाहिए ताकि किसी मकाम पर यह याद रहे कि इस उन्वान पर यह गुफ्तगु हुई थी और इस गुफ्तगु का हासिल यह था। तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े, आलू आमन्ना रब आलमीन, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर। अब आलमीन के रब का तायुन क्या है? फिरौन मुनकिर है, फिरौन मुनकिर है। आलमीन के रब का तसव्वुर क्या है? दरबार फिरौन मुनकिर है। आलमीन के रब का तसव्वुर क्या है? इसलिए कि वो जादूगर ये नहीं बतला सकते कि जो सूरज का परवरदिगार है, जो चांद का परवरदिगार है, जो फिरौन का परवरदिगार है, जो फिरौन के आबा का परवरदिगार है। अब उन जादूगरों को तारुफ चाहिए कि आलमीन का रब कौन है, हम किस पर ईमान लाए। उन्होंने कहा अल्लाह बे रब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। गुफ्तगु खत्म हो गई। अगर आपका दिल दिमाग काम कर रहा है तो हमेशा जान लीजिए कि आलमीन के रब के तसव्वुर को पेश करते हुए उन अशख़ास को पेश करना पड़ेगा कि जो अपने खुदा को पहचानवा के ये बतलाए कि ये है परवरदिगार। अगर याद रख सकें आप, अगर याद रख सकें आप सूरह शुआरा की आयत को, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कैसा रब, कौन पहचाने, फिरौन का रब, दरबार फिरौन के आने वालों और फिरौन के साथियों की तरबियत करने वाला, ये मूसा के लिए सजावार है। ये मूसा के लिए सदावार है कि कायनाती निगाह में वो ये कहे रब्बुकुम वो रब्बु आबाएकुम अल्लबलीन, वो तुम्हारा भी तबीयत करने वाला है, तुम्हारे आबाओ अजदाद का तबीयत करने वाला है, वो जमीन आसमान का खल्क करने वाला है, वो मशरक व मगरिब का खल्क करने वाला है, जो कुछ जमीन आसमान के दरमियान है, जो कुछ मशरक व मगरिब के माबैन है, उन सबका खालिक है। ये नबूवत के लिए जेब दे रहा है कि यूं तफसील दे, मगर आम इंसानों के लिए ये जेब नहीं देता। वो खुदा का तारुफ चाहते हैं अशखास की निस्बत से, अशखास की निस्बत से। हम आलमीन के रब पे ईमान लाए कौन? रब मूसा व हारून।
जो मूसा और हारून का रब है, जो मूसा और हारून का रब है, तो अब फरआउन दहर होशियार हो जाए, अब कयासिरे कायनात मुतनब्बे हो जाए, अब अकासिरे असनाम परस्तान दहर जान लें कि हम रब्बुल आलमीन की निस्बत कभी उनसे नहीं देंगे, उनसे मंसूब नहीं करेंगे, बल्कि जब हमसे पूछा जाएगा कौन है रब्बुल आलमीन, तो हम जिस दौर में उसी दौर में उन वह शख्सियतों का नाम लेंगे कि जिन शख्सियतों ने सही तारुफ करवाया है, सही तारुफ करवाया है। अगर वक्त है यजीदी तो हम ये कहेंगे रब यजीद, वो है रब यजीद, यकीनन सबका पैदा करने वाला, मगर जब तारुफ होगा तो यही होगा रब हुसैन आगा, रब हुसैन आगा है इलाही तारफ्तली थी कुल शैन पराई तो कसाओ हिरन थी कुल शै, परवरदिगार तूने अपना तारुफ मुझसे करवाया, बस मैंने जिस शय को देखा उसमें मैंने शय को नहीं देखा तुझको देखा, ये है निगाह हुसैन। अगर ये चंद जुमले महफूज रह जाए तो मैंने आज की हद तक उन्वान का हक अदा करने की कोशिश की, रब मूसा व हारून, किसी आज मुफक्किर की मजाल नहीं है कि वह इतराज करे कि तुमने निस्बत को महदूद कैसे कर दिया, निस्बत को महदूद कैसे कर दिया, फकत मूसा व हारून का रब है, आलमीन के रब होने की कैफियत सलाहियत को पेश करते हुए ये कह देना कि ये दो का रब, ये इन दो हस्तियों में आलमीनियत है, इन दो हस्तियों में क्या कायनाते नजर आ रही हैं, रब्बुल आलमीन तफसीर रब मूसा व हारून, तो अगर मूसा व हारून की तरफ से बंदे मिल जाए तो फिर अल्लाह को पहचानो उन निगाहों से, किसी और निगाह से क्या देखोगे, ये तो हर निगाह ये दावत दे रही है कि हम तो देख लेंगे, हम तो देख लेंगे इन्हीं आंखों से देख लें, तो वो दीदार उन्हीं आंखों को मुबारक, मालूम नहीं क्या देखेंगे किस मंजिल पर। कुरान मजीद में एक आयत है मुतशाबे, यौम युक्शफ अन साकी व युदअउन इला सुजूद, जिस वक्त पिंडली खुल जाएगी और दावत दी जाएगी सजदे की, तो इस मुतशाबे आयत का तर्जमा यह हुआ कि जाते वाजिब अदा को खींचती जाएगी अपने पांव और पांव को बाहर निकालेगा खुदा रोज़े महशर, यहां तक कि पिंडली नजर आए, साफ नजर आए, और उसके जलाल से और उसकी तजल्ली से अरसे महशर रोशन हो जाए। दरअसल के तमाम अरब अदब के जानने वालों ने कहा जबकि हकीकतें खुल जाएंगी, पिंडली का खुलना यौम युक्शफ अन साकी, जबकि पर्दे का उठना हकीकत, जबकि इंसान खुद अपनी हकीकत से वाकिफ हो जाएगा, तो मगर यहां नजर आजी है मादी चीजों की, निगाह में मादियत है, हाथ को देखेंगे, पांव को देखेंगे, सर को देखेंगे, गले को देखेंगे, आंखों को देखेंगे, जुल्फों को देखेंगे, बहरहाल चाहती है निगाहें कि हम मादी एतबार से देखें, ख्वाब में देखेंगे तो देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा का तारुफ
उन निगाहों के जरिए न हो जिन निगाहों में मादियत है, वो निगाहें जो सिर्फ अपने काहिशात नफ्स की तकमील में मसरूफ और जिनके लिए मुंतहाए नजर ये हो कि उनकी दुनिया उनको मिल जाए। और दुनिया इनम दुनिया मुंतहा बसर लामा, जो दिल की आंखों से महरूम हो जाता है दुनिया उसके लिए हद नजर है, यही दुनिया। लेकिन बसीर इस दुनिया से आगे देखता है, कहीं और उसकी नजर जाती है। तो अब मोहम्मद अली के रब की कसम, हसन हुसैन के रब की कसम, वो मारिफत हमको अता हुई है आले मोहम्मद के तवस्सुत से, कि जिस पर हमको नाज है। और यही एक हकीकत है कि जिसको पेश किया जा रहा है आज। आज अगर कहीं अरफे के ताल्लुक से कोई दुआ आपको नजर आ जाए तो हमको दिखला दीजिए, यही एक बात। अरफहू, उसका पहचाना, उसको जाना, उसका तारुफ हुआ, और इस तरह से जाना, इस तरह से जाना कि बाप ने इस यकीन के साथ बेटे के गले पर खंजर रख दिया कि अब कुर्बानी पेश हो। और एक मरतबा आंखें खुली तो बेटा न था, दुम्बा था। अरफहू, पहचाना, और इस हकीकत के साथ पहचाना कि बचाने वाला यूं बचाता। हकीकतों को दिल की जानने वाला इस तरह से बाप की मोहब्बत को महसूस कर लेता है, इस तरह से मां की तमन्नाएं महसूस हो जाती हैं। इस्माइल बच जाते हैं, वो नादौना हो या इब्राहिम कद सद्दक्तर रोया हो इन्ना कज़ा लिका नस्रिल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखलाया, हम इसी तरह से एहसान करने वालों का बदला देते हैं। इब्राहिम घबराना नहीं, यह कुर्बानी कबूल है, हटा लिया है अगरचे खंजर से मगर कुर्बानी कबूल है। सलाम अला इब्राहिम, मेरे बंदे इब्राहिम पर सलाम हो, मोहसिन बंदा है, हमारी लाज रख ली, हमारी बात की तकमील की, महसूस कर लिया इब्राहिम ने के ख्वाब में जो कुछ देखा था वो यकीनन हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी थी, और हमारी मर्जी पर चलने वाले सिर्फ हमारी बातों को सुनकर हमारी मर्जी पर नहीं चलते बल्कि हमारे इशारात को समझते हैं। मैं आयत से मुसलसल हो गया, हमारे इशारात को समझते हैं। जरूरत नहीं है कि हम उनके काम में कहें इब्राहिम बच्चों को विदा कर दे, बल्कि काफी है उसका यह कहना कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अजबा होगा फंजुर माजा तरह, मैंने ख्वाब में देखा जैसे मैं तुमको जुबा कर रहा हूं। इशारे रब को पहचानते हो इस्माइल? बाप और बेटे दोनों मिल गए और कहा यहां बस इस्माइल मासूमा, बाबा आप उसी पर अमल कीजिए जिसका हुक्म मिला है। ये जबान है इब्राहिम, वो पहले इस्माइल, ये बाप का कौल, वो बेटे का समझना। बेटा समझ गया कि ये हुक्म है, ख्वाब नहीं है, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। या बतिफल मा तुमर सतजदनी इंशा अल्लाह मिन अस्सादिकीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इशारे परवरदिगार पर अपनी मर्जी को खत्म कर देना। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते हो मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है। हुसैन इब्ने अली अपने नाना की दरी पर पहुंचे, रजब की 28 तारीख की सुबह हाथ रख दिया नाना की जरी, उंगलियां गाड़ दी,
और कहा अल्लाहुम्म हादा अला नबीक मुहम्मद, वो अनस नबी के नबी परवरदिगार, ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है, मैं तेरी नबी की बेटी का बेटा हूं। अब इसके बाद के जुमले को सुन ले और मेरी तकरीर को मुसलसल कीजिए। हुसैन इब्न अली की दुआ रोज़े रसूल पर, मुझे मालूम है कि कल ईद है और मुझे यह भी मालूम है कि ईद को इतना नजदीक रख के किसी को रुलाना कोई मुनासिब अमर नहीं है। सही है, लेकिन रोना ही जिसकी ईद हो, गरिया ही जिसके लिए ईद हो, वहां को सुनिए सरगंद रसूल की और उस रक्त खास को देखिए जो हुसैन में और रब हुसैन में। अल्लाहुम्म हादा कब्र नबीक मुहम्मद, वो अलग नबी से नबीयत परवरदिगार, ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। इलाही قد حضر من الامر ما قد علمت, परवरदिगार जिसका तुझको इल्म है वो वक्त आ गया। देखिए जबाने हुसैन, ये अब तो महबूब के रब को देखो, परवरदिगार जिसका तुझको इल्म है अब हुसैन के इल्म को देखो कि हुसैन मुअय्यन कर रहे हैं तो वही वक्त है जिसका तुझको इल्म है। इस शान बंदगी को देखो, इलाही कद हजर मिन अल अमर मा कद अलिमता, परवरदिगार जिसका तुझको इल्म है वो वक्त आ गया। इलाही बिहक्त हाजल कब्र व मन की, बस परवरदिगार इस कब्र का वास्ता और उसका वास्ता जो इस कब्र में आराम कर रहा हूं। तली माहू अल्लाह का रिजन बोले रसूल का रिजा, मेरे परवरदिगार इस कब्र का वास्ता और उसका वास्ता जो इस कब्र में आराम कर रहा है मुझको पसंद कर ले उस काम के लिए जिसमें तेरी और तेरे रसूल की खुशी हो। जो तेरे और तेरे रसूल की रजा का बाइस हो मुझे अख्तियार कर ले मेरे परवरदिगार। रब इब्राहिम इस्माइल की कसम, रब मोहम्मद अली की कसम, रब हसन हुसैन की कसम, दिल यही चाहता है कि उसी रब आलमीन की बारगाह में सजदे हैं जिसकी बारगाह में हुसैन जैसा बंदा यह कह रहा हूं। ये परवरदिगार मेरे, अंत सिकती फी कुल करबिन वो रजाई फी कुल शिद्दतें, ये हुसैन इब्न अली की आखिरी दुआ है रोजे आशूर। इलाही मफातीह के हाशिए पर भी है और बात अहम मकामात पर भी इस दुआ को जब्त कर लिया गया है, यह कहकर कि हर मुसीबत में हर दोस्त ये दुआ पढ़े। इलाही अंत सिकती फी कुल करबिन व रजाई फी कुल शिद्दतें, परवरदिगार हर मुसीबत में तूने मेरी मदद, हर आफत में तूने मेरा साथ दिया। इलाही कम मिन करबिन जब अफवान हुल फवाद वो तकल्लु बिल हीला वो यगज़ुलु बिल अदु वो यश्मतु बिल सदीक, परवरदिगार कितनी ऐसी मुसीबतें हैं जहां दिल कमजोर हो जाता है, परवरदिगार कितनी ऐसी मुसीबतें हैं जहां दोस्त ताने देता है, जहां दुश्मन हंसता है, परवरदिगार जब कभी ऐसी मुसीबतें आई कब नजल तो हूं बेटा वो शकल तो हूं, जहां मुसीबत पड़ी मैं तेरी बारगाह में हाजिर होता रहा, मैंने तुझसे शिकायत की किसी और से शिकायत नहीं, मैंने तुझको आवाज दी किसी और को नहीं पुकारा। वो कद कशफ
तहु अन्नी। और परवरदिगार तूने उन मुसीबतों को टाल दिया। परवरदिगार हुसैन आज तेरी बारगाह में यह अर्ज कर रहा है कि आज भी मेरा मुमित मुआविन बन जा, आज भी मेरे कारोबार को संभाल ले, मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। अव्वल दुआ, आखिर दुआ, आगाज दुआ, अंजाम दुआ, पूरी जिंदगी दुआ, एक रब्त है कल्ब हुसैन से जाते वाजिद तक, जो रब्त कभी किसी मकाम पर टूटने नहीं पाता। ऐसा मालूम होता है कि इस रब्त खास के साथ ये बंदा बारगाह रब्बुल इज्जत में आगे बढ़ रहा है, और इस इल्म के साथ के जो कुछ कर रहा हूं तेरी मर्जी के साथ कर रहा हूं। इसलिए जब अब्बास ने पूछा कि फरजंद रसूल आपकी कुर्बानियां नजर नहीं आती, फरजंद रसूल ये कैसा हज है, अब तक जब कभी आप आए हैं हमेशा आपके साथ कुर्बानी के जानवर होते थे, ये कैसा हज है अब से आपके साथ कुर्बानियां नहीं है। इरशाद फरमाया इब्ने अब्बास मेरी कुर्बानियों को देखना चाहते हो, अली अकबर इधर आओ, आसिफ इधर आओ, आल मोहम्मद इधर आओ, ये है मेरी कुर्बानियां जो मिनारे हकीकी या करबला में पेश कर। दो दिन में इस दिन के तआरुफ के लिए बड़ा अजीम दिन है, इबादत के एतबार से, मारिफत के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से इस दिन की अजमतें गौर फिक्र के काबिल है। नौज़ुल हिज फ़क़्रे इब्राहिम अपने उन अजीजों को पेश कर रहा है जिनमें एक एक रश्के इस्माइल है, और आज उस मुस्तफा बंदे की पहली कुर्बानी पेश हो रही है। उस मुस्तफा बंदे की पहली कुर्बानी पेश हो रही है, और ये कह के कि परवरदिगार वादा 10 मुहर्रम का है, हुसैन कुछ पहले से यह चाहता है कि बहन आदि होती चले, बच्चे जानते चले, यतीमी का दुख समझ में आए, मालूम नहीं कितनी बातें तफसील तलब रह जाती हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में क्योंकि हर शय महफूज है, इसलिए बजुर्ग इशारियत के मेरे लिए कुछ और मुमकिन नहीं। न इतना वक्त है, न इतना हौसला कि तफसील से इन मकामात को पेश किया जाए। सिर्फ इतना आज करना है, एक मन की सुबह थी, कुछ यही वक्त होगा कि हुसैन का नायब सफीर आले मोहम्मद अहले बैत हुसैन में सबसे ज्यादा सिका अकील का शेर जिसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए, सर से लेकर पैर तक जख्मों से दूर, दारुल अमारे कूफा के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, फौजों ने अकील के शहर को घेर लिया। कौन अकील जिसको जब कभी रसूल अपनी जिंदगी में देखते बेख्तियार आंखें भर आती, रसूल रोते, लोग पूछते अल्लाह के रसूल अकील को देख के आप रोते हैं, तो अकील को नहीं देखता हूं इसके उस मजलूम बच्चे को देख रहा हूं जो बच्चा मेरे बच्चे के लिए अपने हाथ को कुर्बान करेगा।
अकील का शेर खड़ा हुआ है, जख्मी आवाज दी, कोई इतना एहसान कर दे तो मुझे पानी पिला। किसी ने रहम खा के जामे आप पेश किया, जाहिर है कि हाथ बंधे हुए थे, उसने जाम को लबों तक बुलंद किया, गंदा ने अकदस टूट के जाम में गिर, लहू से जाम ममलू हो गया। फरमाया हटा दो हटा दो, मेरी किस्मत में पानी नहीं है। नायब वही जो मुनीब की तरह से हो, कशां कशां दरबार में लिए गए। एक महीना पहले नायब पेश हुआ, पूरे दरबार को देखा तो अस्सलाम अला मन तबाइल हुदा, सलाम उस पर जो हिदायतों की पैरवी करे। अहले दरबार ने कहा अमीर पर तो सलाम कर, वो जो रब हुसैन को जानता है वो गैर हुसैन को क्या माने, वो किसी और की निगाह से रब को क्या देखे। उसने कहा माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर हुसैन के सिवा नहीं। ये कल्ब मुस्लिम की ताकत है, ये कुव्वत कल्ब मुस्लिम है, मेरा कोई अमीर हुसैन के सिवा नहीं है। इब्न ज़ियाद ने कहा सलाम करो या न करो तुमको कत्ल किया जाएगा। कहा अमीर हमको कत्ल से न डराओ, कत्ल से न डराओ, जान ले इब्न ज़ियाद कि अगर तू अपने आप को उस मंजिल पर फाइज समझता है कि जो मादी मंजिल है, तो हम अपने लिए उन मकामात को देख रहे हैं जिन मकामात के मुकाबिल में ये सारी दुनिया है, इसकी कोई वक्त नहीं है। हमको मौत से न डराओ, हमको कत्ल से न डराओ। इब्न ज़ियाद ने कहा जो कुछ वसीयत करना हो, किसी से कुछ कहना हो तो कह लो। भरे दरबार में से उमर साद को चुन लिया, तो उमर साद ये धरा, उसने मुंह फेर लिया, आवाज दी इब्न साद मैं चाहता हूं कि वसीयत करो, और ये इस्लाम का हुक्म है कि अगर कोई वसीयत करना चाहे तो उसको सुन लिया जाता है, माने या न माने। उसने फिर मुंह फेर लिया। इब्न ज़ियाद जैसे शकी ने कहा सुनता क्यों नहीं है मरने वाले की वसीयत को। उमर साहब को कुछ आदत सी है मुंह फेर लेने की। मुस्लिम आवाज दे तो मुंह फेर ले, और किसी दिन जब ज़ैनब आवाज दे वसीयतें की। पहली वसीयत यह है और अहम तरीन वसीयत यह है इब्न साद कि मेरे आका को किसी जरिए से इत्तला दे दे कि अब ना आए, अब ना आए मौला, इधर ना आए, बच्चों को लेके कहीं चले जाएं, किसी जंगल में जाएं। दूसरी वसीयत यह है मौला आपके लिए इस गुलाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मौला ख्वाहिश यही है आरजू यही है कि कूफे वाले आपको पहचाने, लेकिन मौला
कूफे वालों ने दगा की, इसलिए आप बेहतर समझते हैं कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मौला, मेरी तमन्ना ये है कि आप वापिस जाएं, मक्का चले जाएं। मैंने जो कुछ लिखा उसके लिए मुआफी का कहां हूं। मौला, मुझे माफ किया जाए। उसके बाद इसी तरह हुसैन इब्ने अली की बारगाह में बड़ी देर तक वो अपने एहसासात को पेश करते रहे। इब्ने साद ने कहा, कुछ अपने लिए भी तो कहो। मेरे लिए यही दो बातें हैं, मेरा कुछ कर्ज है उसको अदा कर दे, और अहले अरब जब किसी की तौहीन चाहते हैं तो उसकी लाश को दफन नहीं करते बल्कि कूचा बा कूचा फिराते हैं। अगर हो सके तो मेरी लाश लेके दफन कर देना। और कहा इब्ने साद, अगर ये मेरी बातें मंजूर नहीं तो मुझे परवाह नहीं, मगर किसी सूरत फातिमा के लाल को इत्तला दे दे। एक तवील मुकालमा है इब्ने जियाद और हजरत मुस्लिम ने अकील के दरमियान, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं। मुझे तो उसी मंजिल पर पहुंचना है जहां मैं आपकी खिदमत में यह पेश कर सकूं कि शहीद की ईद क्या है। दोस्त की ईद, दोस्त की याद। उस्मान हारूनी का वो शेर बहुत सौ को वज्द में लाता है, दिया जानन तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजाओ। दिया जानो तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजाओ, दसत सामाओ ने रुसवाई तरे बाजार मी रखम। तुहा कातिल के अस बहरे तमाशा खूने मन रेजी, मना बिस्मिल के जोरे खंजरे खूंखार मी रखम। मना बिस्मिल के जीरे खंजरे खूंखार मी रखम। बकर इब्ने हमरान में खड़े होके कहा कि इब्ने जियाद, सुबह को उसके बाप को मुस्लिम ने अकील ने कत्ल कर दिया, इजाजत दी जाए बकर इब्ने हमरान को कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला ले। इब्ने जियाद ने इजाजत दी। बकर इब्ने हमरान ने हजरत मुस्लिम को रस्सियों से घसीटा, दाम पर वो जीनों के साथ जीनों से गुजरता हुआ ऊपर ले चला, और जैसी जैसी सीढ़ियां चढ़ते जाते थे कहते जाते थे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। पुष्ट दाम पर पहुंचे, बकरीब ने हमराम ने तलवार को बयान किया और एक मतलब तलवार हाथ से छूटी, दौड़ता हुआ आया। इब्ने जियाद ने कहा, क्या बात है? कहा इब्ने जियाद, जब मैंने तलवार को बयान किया मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग कमर खमीदा सर को बलंद किए हुए हसरत से मेरी तरफ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे बच्चे ने क्या खता की। बच्चे ने क्या खता की। इब्ने जियाद ने कहा, बकर इब्ने हमरान तेरा ख्याल है और कुछ नहीं, तखयलात है। कहां रसूल, कहां मुस्लिम ने अकील, मगर किसी को क्या मालूम कि कितना रब है। वो फिर पहुंचा, मगर इस अरसे में हजरत मुस्लिम ने अकील बाम के उस गोशे तक पहुंच चुके थे जहां तमाशाई तमाशे के लिए जमा थे। ईद का दिन था, बच्चों को उनके बाप कंधों पर लिए हुए इस तमाशे के लिए जमा थे।
कि देखो आले मोहम्मद के घर आने की कुर्बानी किस तरह से पेश होती है। मुसलमान किस शौक से कुर्बानियां करते हैं, किस शौक से जानवर निभा करते हैं, मगर ये खानदान इब्राहिम है, ये इब्राहिम खलील का घराना है, ईद को कुर्बानी यूं पेश होती है। आहिस्ता आहिस्ता बाम के गोशे तक पहुंचे, देखा कि अहले कूफा तमाशे के लिए जमा हुए हैं। तो बेख्तियार का अहले कूफा, जो कुछ तुमने किया मुझे शिकायत नहीं है, मगर अहले कूफा कुछ दिनों के बाद मेरे दो बच्चे इसी शहर में आए। अहले कूफा उन बच्चों से यह न कहना कि तुम्हारा बाप यहां कभी किया गया। कितना ख्याल था मुस्लिम ने अपील को इस बात का कि उनके बच्चों को इसका इल्म न हो कि उनके बाप को यहां कत्ल किया गया। आओ मुस्लिम करबला में, फिर वापस हुए आके कहा बकर इब्न हमरान इजाजत है कि मैं दो रकात नमाज पढ़ लूं। बकर इब्न हमरान ने कहा अब वक्त नहीं है। कहा मुझे इजाजत है इस उम्र की कि मैं काबे की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। उसने तलवार को बुलंद किया, इजाजत की जरूरत न थी। बेख्तियार काबे की तरफ देख के आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम। पसंद रसूल मुस्लिम ने अपील का सलाम पहुंची। بجرم عشق تو ہم نی کشند و غوغائی، تو نیز بر سر باما کے خوش تماشائی۔ مولا آپ کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں، مولا آپ کے نائب کو شبہ کر رہے۔ مولا کاش آپ بھی یہاں ہوتے۔ قلب مسلم کو یقین تھا کہ حسین دیکھ رہے، کس شان سے شہید نے سلام کیا۔ دیکھو شہدائے کربلا سے مسلم یقین کتنے متصل ہیں۔ قاسم نے بھی آواز دی ہے، علی اکبر نے بھی آواز دی ہے، آل محمد نے بھی آواز دی ہے، عباس نے بھی آواز دی ہے، مگر جب کسی شہید نے آواز دی جان رہے تھے کہ اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ ہاں مسلم آواز دے رہے السلام علیکم۔ رات کو اور سچتا ہوں کہ حسین ابن علی آٹھویں ذوالحج کو مکے سے نکل چکے تھے۔ نویں ذوالحج کی صبح کو زبالہ کی منزل پر قیام تھا، خیمے کے باہر کرسی پر رونق افروز تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، دل میں تڑپ تھی۔ ارے اب لائے مسلم کو دارالامارا میں، ارے مسلم اب آ گئے بام پر، ارے وہ تلوار چمکی، یہاں چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور وہاں خیمے کا پردہ الٹے ہوئے بہن بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میں بے اختیار کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ کو زحمت دی، میں اس تکلیف کے لیے
माफी का काम। मेरा दिल दुखता है कि मैंने आपको बहंगा में ईद दावत गरिया देकर यकीनन आपके एहसास को परेशान कर दिया। खुदावंद आलम आने वाली ईद को आपके लिए मुबारक करे। खुदावंद आलम आपके बच्चों को परवान चढ़ाए। खुदावंद आलम आपकी औलाद को कामयाब और कामरान करे। खुदावंद आलम आपके घरों को आबाद रखे। आओ आले मोहम्मद की ईद कभी देखे। आओ बेकसों की ईद कभी देखे। पहले का भाई किसको सलाम किया, इंसान फरमाया साइलाम, तलवार के नीचे मुस्लिम खड़े, तलवार के नीचे मुस्लिम को। खुदावंदा हमको कामिल ईमान कर, हमारे हवाए जे दी।